हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महमोश परवेज और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भट्ट। तो उस्मान भाई, टॉपिक एक सोच रहा था, मुझे जो बात एक माइंड में मेरी क्लिक हुई कि नॉर्दर्न एरियाज, हम चक्कर हमारे सबके लगते हैं, कोई साल बाद कभी लग ही जाता है। लेकिन जो वहाँ पे अगर देखा जाए, रोड्स की डेवलपमेंट भी अब अच्छी हो रही है। अगर हम सवात साइड देखें या नारायण साइड देखें, वो काराकोरम हाईवे भी जबरदस्त बनी हुई है। इधर से सवात की भी रोड, वो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जो है सैलाब आया, उसकी वजह से फिर थोड़ा सा हो गया, बट ओवरऑल अच्छे रोड हमारी अल्लाह का शुक्र है बन गई है। लेकिन उधर जाके अगर आप देखें तो फैसिलिटीज इस हद तक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिजली की हम बात कर रहे थे एक दफा, कि वो भी जो है वो अपनी ही मेरे ख्याल में बनाते हैं, वहां पे वापडा की नहीं है। फिर इसके अलावा जो मेन चीज, अब आप देखें पड़ोसी मुल्क हमारा चांद पे पहुंच गया है, हम कंपेरिजन उनसे करते हैं, तो हमारा तो वहाँ इंटरनेट की सर्विस भी नहीं है, 3G भी इवन नहीं आता। अगर आप इधर चले जाएं, मेरे ख्याल में से मानसेहरा एबटाबाद से आगे चले जाएं, बालाकोट से आगे, तो वहाँ पे सर्विस है ही नहीं। इसी तरह अगर आप सवात साइड पे जाते हैं तो मिंगोरा सिटी से आगे, अगर मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई सर्विस है। इन लोग कलाम जाते, कलाम से आगे तक जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे कराकोरम साइड पे स्कर्दू हमजा जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सर्विस नहीं है। तो इस पे आपका भी कोई, मेरा ख्याल, ऐसा टॉपिक एक्सपीरियंस रहा होगा अगर आप। बेसिकली सिलेक्ट किया है जिस पे आप अपने इंट्रो भी दिया है, बड़ा अच्छा डिबेटेबल टॉपिक है। और इसमें बेसिकली टूरिज्म हमारी, देखिए एक तरफ हम कहते हैं कि टूरिज्म जो है इंडस्ट्री का दर्जा है उसको, और मतलब देना चाहिए, और उससे हम कितने मतलब डॉलर्स या मतलब अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखें तो अब आके कुछ हम कम्युनिकेशन सड़कों पे काम कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज है जो कि डेवलप होनी चाहिए। एक तो आपको डिफरेंट एरिया से कनेक्ट करती है, और खासतौर पर जो टूरिज्म साइट्स हैं वो जब रोड अच्छी होंगी तो एक तो आपको कम टाइम लगेगा, और जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट होंगे कि यार कम से कम रोड इतनी डेंजरस नहीं है, आप जा सकते हो और आप ज्यादा से ज्यादा जा सकोगे। चले एक तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। लेकिन जो दूसरी दो टॉपिक्स आपने बेसिकली, या दो आपने पॉइंट्स उठाए हैं कि एक बिजली पे और दूसरा सेलुलर नेटवर्क पे, उसमें आप देखा जाए तो देखें, अब अगर हम चले 2 मिनट सवात या कलाम वाले साइड की बात कर लेते हैं, वहां पे आपकी बिजली जो है वो कहते हैं जो लोकल्स वहां के हैं कि जी हमें वापडा से हम कनेक्टेड नहीं है। बिजली यहाँ पे लोकली तौर पे जो डिफरेंट चश्मों वगैरह से जो कुछ प्राइवेटली तौर पे लोगों ने जो छोटी टर्बाइन्स लगा के, या रन ऑफ वाटर पे जो टर्बाइन्स लगा के बिजली जनरेट करते हैं हम, क्योंकि पहाड़ों से पानी आ रहा है तो वो उससे जनरेट करके, तो वो बिजली जो है ना हमारे पास हमें मिलती है। यहाँ के कोई गवर्नमेंट लेवल का भी छोटा प्रोजेक्ट लगा हुआ होगा तो वो, क्योंकि जब सर्दियों में पानी क्योंकि कम हो जाता है, आपको पता है पीछे ग्लेशियर कभी पिघल नहीं रहे होते हैं, तो वो बिजली बहुत कम हो जाती है, तो दिन में तो आती जाती है और रात में भी ऐसे ही सिस्टम होता है। हाँ, गर्मियों के अंदर कदरे बेहतर, क्योंकि पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है तो कदरे उनको बिजली बेहतर प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर इन इलाकों को हमने मतलब बेसिक्स मतलब चीजें नहीं प्रोवाइड की, फिर चलें ये वाली भी एक चलें हो सकती है, जो कि कह रहे हैं वादा किया है वहां पे कि गवर्नमेंट ने वहां पे कोई स्कीम अनाउंस की है कि विद इन ईयर या इस तरह से कुछ वहां पे वापडा की चीजें पहुंचा दी जाएंगी। जब मेरा भी जो लास्ट विजिट हुआ उसमें भी उसमें हमने देखा, जैसे आपने भी देखा हो कि वहां पे भी कुछ मैंने देखा बिजली के पोल्स लग रहे हैं और जिसपे काम हो रहा है वक्फन, मतलब थोड़े थोड़े एरियाज में जो है ना वहाँ पे तार्स वगैरह लग रही हैं, जो कि मेरे हिसाब से शायद वो उसी प्रोजेक्ट की एक वो ना सिलसिला होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है सेलुलर नेटवर्क, आप देखें कि आप अगर सवात मैंगोरा से, आपने कहा मैंगोरा, या आप आगे बहरीन तक जाएं ठीक है, और उसके आगे जाएं तो आपको तकरीबन सिग्नल ऑन एंड ऑफ चलना शुरू हो जाते हैं। आप 3G जो सोने, आपकी जो सिंपल मतलब सेलुलर आपकी कॉल्स और आपके SMS है तो वो भी तकरीबन नहीं चल रहे होते हैं। कलाम पहुंच के भी आपको कदरे किसी किसी एरियाज में आपको जो है आपको मिलते हैं, इंटरनेट भी आपको एरियाज में मिलता है, कुछ कुछ जगहों पे नहीं मिलता। वही वाली बात कि हमारे हमसाया मुल्क जो है चांद पे पहुंच गया, जिसमें हम बड़ी डिबेट करते हैं कि हम नहीं गए, तो हम एक सिंपल वहां पे नेटवर्क नहीं पहुंचा सके, जो कि इतना जरूरी है कि आप कनेक्ट रहने के लिए। देखें कोई टूरिस्ट गेम है, उसने अपने घर वालों से कनेक्ट होना है, उसने कोई सोशल मीडिया यूज करना है, एनीथिंग, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, वहां के लोकल्स को इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा आप सेलुलर नेटवर्क प्रॉपर प्रोवाइड होना चाहिए। इंटरनेट पे देखें वहां पे PTCL नहीं, कोई भी वाईफाई सिस्टम नहीं, आप किसी होटल चले जाएं तो उनके पास कोई ऑफर करने को आपको इंटरनेट नहीं है। चले माना अगर बाहर आपको नहीं मिल रहा, कम से कम लाइन वाला इंटरनेट आपके पास हो तो चले आप होटल आके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहां से लाइव इंटरनेट चीजें तो आजकल आप। बेसिक नीड में से एक हो गई है ना, इंटरनेट की तो ये सिचुएशन है अब। एग्जैक्टली आप ग्लोबली कनेक्ट होते हैं ना रोटी प्रमोद, आप मकड़ा, देखें रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। सर आप ग्लोबली जो भी कनेक्ट हो जाते हैं इससे ना,
फर्ज करें कोई टूरिस्ट अगर बाहर से आया है, वैसे फर्ज करें लेट सपोज कोई किसी भी जगह से आया है वो, ठीक है, और अगर वो अपने अपने एरिया में या अपने कंट्री में अपने आप कनेक्ट करना चाह रहा है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो वो कनेक्ट ही नहीं कर सकता। फर्ज करो 5 डेज वहाँ पे टूरिज्म पे गया है, वो बिल्कुल कट ऑफ है, ठीक है। वो वापस आएगा इस्लामाबाद वाली साइड पे, इधर आएगा तभी वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर सकता है और अपनी जो भी उसने वहां पे अपनी उसने जो अपना एंजॉय किया वो बता सकता है लोगों को। तो ये एक बहुत बिल्कुल बेसिक चीज, जैसे आपने खुद कह के रोटी कपड़ा मकान के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक होगी भी चीज है, तो हम इसको क्यों नहीं डेवलप कर सकते। और सेकेंडली मेरा जो एक और है कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि फ्लड आया सवाद के अंदर, काफी ज्यादा तबाही हुई और बहरीन से कलाम में रोड काफी इफेक्ट हुई, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट लेवल पे उसको इतना अभी 1.5 साल हो गया नहीं देखा गया। जो वहाँ पे होटल एसोसिएशन हैं और जितनी और जो लोकल्स हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा करके उन रोड्स को इस काबिल किया है कि मतलब वहां पे ट्रैफिक जा सके। ऑल्दो अभी भी वो परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल लेकिन लेकिन ये है कि चले एटलीस्ट लोग जो कि पैचेस के अंदर है तो लोग थोड़ा चले जाते हैं। तो कहने का मकसद है 1.5 साल हो गया और वो मेरे हिसाब से टोटल 15-20 किलोमीटर के अंदर टोटल मेरे ख्याल है वो 2-3 किलोमीटर के पैचेस बनते होंगे सारे। उसको कम से कम एटलीस्ट गवर्नमेंट के तौर पे उसको फौरी तौर पे टेकअप करके उसको बेहतर कर दें, ताकि उन लोकल्स को भी बेचारों को आने जाने में आसानी हो, और टूरिस्ट को भी जो पहले आधा घंटा लगता था अब वो 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पे बड़ा अभी सोचना दो तीन चाहिए। साल पहले ही बनी थी पिछली जो हमारी हुकूमत थी उसके दौर में, और उन्होंने जो है ना पीटीआई के दौर में काफी फरोग था कि टूरिज्म की तरफ तवज्जो थी, तो उस दौर में ये वरना ये 8-10 साल से बिल्कुल इससे भी बदतर हालत में थी, और उसमें मेरे ख्याल में 4 से 5 घंटे आपको बेरेन टू कलाम लग जाते थे सिर्फ, इतनी बुरी हालत थी। तो अभी ये रोड बनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल के अंदर दोबारा वो तबाही आई। तो अच्छा देखिए, मैं एक बात सोच रहा था कि जिस तरह अगर हम बात करते हैं, अक्सर मिसाल देते हैं कि जी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, आपके ये फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह की जी क्या खूबसूरती है ये, मेरे नहीं ख्याल के हमारी खूबसूरती उनसे कम है। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि वो पूरे के पूरे मुल्क डेवलप्ड हैं और इस तरह के ही इलाके हैं जिस तरह के हमारे ये पहाड़ी इलाके हैं, जितने नॉर्दर्न एरियाज हैं इसी तरह वो भी इलाके हैं जिनको उन्होंने डेवलप किया हुआ है। रोड्स खूबसूरत हैं वहां पे, उन्होंने फैसिलिटीज हर दी हुई हैं, तो जिसकी वजह से वो मुल्क डेवलप्ड है। अगर आप सिंपल सी बात है, अगर ये जिस तरह आपने एग्जाम्पल दी कि टूरिस्ट आते हैं कोई बाहर अब्रॉड से भी आ रहे हैं कोई, तो उनको जो फैसिलिटीज नहीं होंगी यहाँ पे तो वो ऑब्वियसली जाके नेगेटिव भी सोचेंगे ना। जब आगे वर्ड ऑफ माउथ से जब एक चीज जाएगी आगे तो वो अपने लोगों को ये कहेंगे यार तो जाने का फायदा नहीं है, खूबसूरती बहुत है लेकिन यू विल बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम एवरीवन। तो अगर आप कनेक्टेड रहोगे और जब अगर यहाँ तक प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां तक क्यों नहीं कर रहे, ये इसकी भी कोई रीजन है, या तो फिर कोई इसमें कोई कोई हर्डल है, ये तो कंफर्म हमें नहीं है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं फिर हम कभी इंडिया से कर रहे हैं कभी हम फलां से कर रहे हैं, बात तो की मेरे अगर ख्याल अगर आप हर्डल की बात करते हो, तो अगर चंद एरियाज में या मतलब चंद पॉइंट्स पे आ रही है सर्विस, तो दैट मींस कि सर्विस तो वहां पे किसी ना किसी एंगल में थोड़ी बहुत जा रही है ना, उसको बेहतर कनेक्टिविटी को करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से इसमें हर्डल क्या करने वाली बात होगी, इसमें कोई मतलब मतलब कोई सिक्योरिटी रीजंस नहीं बनते हैं। खैर मैं भी हम शायद इस पे अवेयर ना हो, लेकिन उसका भी कोई ना कोई हल तो निकाला जा सकता है ना, मतलब आप उसको किसी तरीके से तो कर सकते हो। ये कि आप इस पूरी एरिया को कनेक्टिविटी ही ना दो इंटरनेट से, या उसको बिल्कुल ही वो छोड़ दो, तो मेरे हिसाब से कि अगर जितने भी हमारे गवर्नमेंट्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको इन सोचना चाहिए कि हम टूरिज्म 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 करते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, रोड नेटवर्क हो गए, आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गए, आपकी बिजली हो गई, आपकी मतलब और जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जब आप प्रोवाइड करोगे, जैसे आपने खुद कहा है कि अभी ये सवात वाली साइड को या आपकी नॉर्दर्न एरिया जो नारायण कागान वाली साइड है वो स्विट्जरलैंड से कम तो नहीं है, ठीक है। जब आपकी बिल्कुल बर्फबारी होती है और जब उनके पहाड़ पे पड़ती है, तो मेरे ख्याल में लैंडस्केपिंग मोर और लेस सेम ही है, चले ज्यादा नहीं होगी तो कम, चले ऑलमोस्ट सेम है, उसे 1 पॉइंट नीचे चले भी कर लें तो मतलब बहुत कम मतलब उसमें वाला हिसाब नहीं है। लेकिन सिर्फ बात क्या है, वापस वाली बात ही मैं आगे बढ़ाते हुए, कि हमने वहां पे डेवलपमेंट्स नहीं किए हैं, हमने टूरिज्म साइट्स डेवलप नहीं किए। अब देखें हमारे इस्लामाबाद से सबसे करीब हमें मरी पड़ता है, अब वो इतना ओवरक्राउडेड और इतना ओवररेटेड हो गया हुआ है, ठीक है। अब उनको चाहिए कि डिफरेंट वेज करते हुए अगर हम सवाद वाली तरफ लोगों को इनकरेज करें, उधर वहां पे जब रोड आप कह रहे हैं बेहतर हुई हैं तो लोगों की तरफ वहां रुझान पैदा हुआ, अगर हम और लोगों को इस तरह अट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट साइड की तरफ, तो मेरे ख्याल में लोग जाएंगे। अब क्या है, मरी लोग जाते हैं जी चेयर लिफ्ट चेयर लिफ्ट चेयर लिफ्ट, और मेरे ख्याल में यूबिया में है और इतनी जगहों पर अवेलेबल नहीं है, मालनजबा में स्कीइंग रिजॉर्ट है वहां के लिए कुछ चेयर लिफ्ट उन्होंने बनाई थी। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह की केबल कार, चेयर लिफ्ट, इस तरह के आपको चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, ताकि लोग अट्रैक्ट होंगे उसे जाने के लिए वहां जाके। अब एक और बात है, एक बार टूरिस्ट वहां पहुंच जाता है, नेचुरल साइट्स तो डेफिनेटली है, वो व्यू करता है, लेकिन उसको करने को वहां क्या चीज है मुझे बताएं। ऑफिशियल तौर पे आपको ना वहाँ कोई बोटिंग की साइट्स हैं, ठीक है, ना आपकी और राफ्टिंग वगैरह है, ना आपकी ये चेयर लिफ्ट वगैरह का सीन है,
तो अगर इस तरह की चीजें गवर्नमेंट लेवल पे डेवलप होंगी तो एक तो उस पर आप फीस भी लेंगे डेफिनेटली, ठीक है, आप उसको चार्ज करें, और लेकिन ये कि लोगों को वहां पे एक स्पोर्ट्स या चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी ना, लोग वहां पे एक्सप्लोर करेंगे उस चीज को। अच्छा, इसके अलावा ये कि अब जब आप कोई लेक्स की फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जितनी भी तकरीबन हमारी लेक्स हैं उनके रास्ते किस तरह हैं कि आपको हाइक करके जाना है या जीप के थ्रू जाना है? मतलब आप भाई उनको डेवलप कर दो, आप उनका मतलब कोई और रोजगार लगा दो जिन्होंने जीप पे लेके जाना है, तो उनका कोई और शायद बन जाए, आप उनको डेवलप करो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, फिर कनाडा आ जाता है फॉर एग्जाम्पल। कनाडा में कहते हैं जी वो अल्बर्टा आई थिंक, जहाँ पे पता नहीं दुनिया के सबसे ज्यादा वहां पे लेक्स हैं, तो वो लेक्स को एक्सेस है ना। यहाँ पे बंदा सोचता ही रह जाता है कि यार मैं उधर जाऊंगा तो आगे मुझे 5 घंटे और जाना पड़ेगा, तो वो बंदा कहीं जाता नहीं है। तो वो भी एक्सेस देते हैं कि ताकि इंसान सारी चीजें एक्सप्लोर कर सके। प्लस इंटरनेट की बात आ जाती है। फिर फॉर एग्जाम्पल देखें, कोई कई लोग हैं जो जिनका काम घर से है, आजकल रिमोट वर्क का दौर है जो हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है, तो अब वो अगर बंदा जाना चाहे उसको लेनी फिर भी छुट्टी है। क्यों? कि वो जाएगा वहां पे काम नहीं कर सकता। यानी अगर मैं हूं, मैं कहूँ कि यार मैं उठाऊं अपना सारा सिलसिला और जो उठा के वहां ले जाके बैठे काम भी करूं और अपना दिन में घूमू फिरू भी, तो वो मेरे लिए या आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये देखें, ये कई चीजें ऐसी हैं जो कि कनेक्टेड हैं। ये मैंने एक छोटी एग्जाम्पल दी, इस तरह और भी बहुत से लोगों के और डिफरेंट चीजें होंगी जो कि इनसे कनेक्टेड होंगी, तो जब जाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी। लेक्स की एग्जाम्पल जैसे हमने कर ली बात, तो मेरे ख्याल में एक ही बात कर रहे थे, मैं इसमें सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगा चीज, जैसे कि आपको पता है कलाम से आगे एक माउंटेन लेक के नाम से एक लेक है, बड़ी मशहूर लेक है, वहां पे कलाम से लेके वहां तक उस पे काम स्टार्ट हो गया है, और उस पे ये है कि उन्होंने काफी पैचेस जो है ना, तकरीबन समझ ले के 30% जो है ना वो बड़ी अच्छी डेवलप कर ली है, वो रोड जो है मतलब उसको बड़ी कंक्रीट की बना रहे हैं, बड़ी अच्छी पायदार किस्म की, और लेकिन ये कि आगे जाके बिल्कुल ऑफ रोड है। So, वो वाली आप वाली बात कि अगर इसको आज तक कर रहे हैं और अब रोक ना दें, मेरे हिसाब से अगर मतलब ये ना हो कि वो जब गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो दिया वो पिछला प्रोजेक्ट था तो रोक दो कर दो, अगर ये ये तो काम हमारे ना हो सामने तो मेरा मेरे हिसाब से कि और साल डेढ़ के अंदर वो चीज डेवलप हो जाएगी, और वो आप वाली बात है कि कुछ ऐसा रख लें कि या तो वो जीप्स ही यूज हो जाए या कुछ और उन जीप्स को किसी और तरीके से भी उनका रोजगार को आप कर सकते हैं करके, ताकि वहां पे एक तो एक्सेस हो जाएगी। फिर एक और सबसे बड़ी जो जरूरत है कि गवर्नमेंट लेवल पे आगे लेक्स वगैरह की तरफ ना डेवलपमेंट की जरूरत है। वहां पे क्या होता है, क्या है कि लोग जिसका दिल किया वहां ढाबा बना लिया, ठीक है, चाय पकौड़ों का चीज खोल के बैठ गया, और वो कोई मतलब मैनेजेबल चीज नहीं है, मतलब एक तरीके का तो एक साइड पे तरीके से एक प्रॉपर खाने पीने की जगह है हो, एक तरीके से आपकी पार्किंग हो, मतलब एक प्रॉपर डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। वहां पे बस जिसका दिल करता है वो अपना ढाबा खोल लेता है, वो समझ नहीं आ रही कि लेक के अंदर है किधर है, मतलब थोड़ा सा ना मैनेजमेंट की जरूरत है, सिर्फ रोड बिल्कुल जीप है। बनानी नहीं है, आपको पूरा उसको डेवलप करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से कि इसको इसी दुआ के साथ के अल्लाह करे कि इसको आगे चल के ये लोग डेवलप करें और प्रॉपर तरीके से इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं तो उसको इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करें, और इसमें मुसलसल कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होती रहेंगी, स्टॉप ना हो तो डेफिनेटली एक बिल्कुल वक्त आएगा तो काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल बिल्कुल में बिल्कुल। क्योंकि ये छोटे में हमारी एक दो दो तीन जगह हैं, जी तो ये कुछ जगह जहाँ पे हम जा सकते हैं, तो मरी के अलावा भी हम, ताकि इजिली हमें हर जगह एक्सेस हो। तो इसी नोट पे इसको मेरे ख्याल में हम एंड करते हैं डिस्कशन को। और थैंक यू उस्मान वंस अगेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।